ये कहानी शुरू हुई है क्रिसमस ईव से। न्यूयॉर्क सिटी में जोनाथन है जो कि कश्मीरी ग्लव्स खरीदने गया है। यहाँ एक और लड़की है जो कि कश्मीरी ग्लव्स ही खरीदने आई है। जैसे ही दोनों इसे खरीदने जाते हैं, दोनों की नज़रें टकराई। इतने में एक बूढ़ा शख्स इसे खरीदने आ गया। जोनाथन ने उस बूढ़े शख्स के सामने ऐसा प्रटेंड किया कि सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। सारा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। उसने कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को इसे गिफ्ट करना है। वो बूढ़ा शख्स यहाँ से चला गया। इन दोनों ने ग्लव्स खरीद लिया, पर दोनों को लगा कि इनकी केमिस्ट्री कितनी मिलती जुलती है। दोनों में काफ़ी अट्रैक्शन भी है। कोई भी फिलहाल घर जाना नहीं चाहता। ये पास के रेस्टोरेंट सेरेंडिपिटी 3 में जाते हैं। सारा यहाँ बताती है कि लाइफ में चीज़ें वो डेस्टिनी पर छोड़ देती है। डेस्टिनी से जो सिग्नल उसे मिलता है वो उसी को फॉलो करती है। वो बताती है कि वो इन सिग्नल्स के बेसिस पर ही अपने लाइफ के डिसीजंस लेती है। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा है, पर अब जाने का वक्त आ गया है। जोनाथन कहता है कि वो नहीं चाहता कि ये शाम ख़त्म हो। सारा कहती है कि अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। सारा यहाँ से चली जाती है। दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज नहीं किया। इनफैक्ट इन्हें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। थोड़ी देर में सारा वापस आ जाती है। वो कुछ भूल गई थी। वो यहाँ जोनाथन के मफलर को गिरा हुआ पाती है। जोनाथन अभी भी यहीं है। वो मफलर को जोनाथन के गले में पहनाती है। अब ये दोनों साथ में और भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये साथ में स्केटिंग करते हैं। यहाँ बर्फ़ गिर रही है। इस तरह ये इनकी लाइफ की बेस्ट रोमांटिक शाम बन गई है। ये साथ में स्ट्रीट से फास्ट फूड खाते हैं। जोनाथन सारा से उसका नंबर मांगता है। सारा अपना नंबर एक नोट पर लिखती है, पर जोनाथन के हाथ से यह हवा में उड़ गया। सारा को यकीन है कि ये यूनिवर्स का कोई साइन है। इन दोनों को नहीं मिलना चाहिए, पर जोनाथन को ऐसा नहीं लगता। वो कहता है कि हम दोनों को मिलते रहना चाहिए। सारा कहती है कि तुम अपना नंबर $5 के नोट पर लिखो। जोनाथन इसे लिखता है। सारा इस $5 से मिंट खरीदने जाती है। उसे उम्मीद है कि अगर डेस्टिनी में लिखा होगा तो ये नोट कैसे न कैसे सारा तक पहुँच ही जाएगा, और सारा उस पर नंबर पढ़ लेगी और इसके बाद वो जोनाथन को कॉल करेगी। जोनाथन को ये सब कुछ बड़ा अटपटा लग रहा है। उसके हिसाब से सीधे सीधे नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के एड्रेस पर जा सकते हैं, एक साथ किसी के भी अपार्टमेंट में रह सकते हैं। पर सारा है जिसे एक्सपेरिमेंट पर ही भरोसा है। जब तक उसे साइन नहीं मिलेगा वो जोनाथन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाने वाली। अब एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट। सारा कहते हैं कि हम दोनों इस बिल्डिंग के अलग अलग लिफ्ट में चढ़ेंगे। अगर हम सेम फ्लोर पर पहुँचते हैं तो मतलब साफ है कि डेस्टिनी भी यही चाहती है कि हम एक हो जाएं। जोनाथन कहता है कि कम से कम अपना नाम तो बता दो। सारा ने अपना नाम बताया है, सारा थॉमस। यहाँ दोनों बिना एक दूसरे को बताए लिफ्ट के बटन को प्रेस करते हैं। सारा ने 23 फ्लोर का बटन प्रेस किया है। जोनाथन भी इत्तेफाकन 23 ही दबाता है, पर जोनाथन के साथ ट्रेजिडी हो गई। लिफ्ट बीच में ही रुकती है। कुछ और लोग इस पर चढ़ते हैं। इनकी वजह से लिफ्ट 15 और 16 फ्लोर पर भी रुकी। जोनाथन 23 फ्लोर पर अब तक नहीं पहुंचा है, जबकि सारा यहाँ पहुंचकर उसका इंतज़ार कर रही है। जब जोनाथन यहाँ कुछ देर तक नहीं पहुंचा, तब वो समझ चुकी है कि डेस्टिनी नहीं चाहती कि ये दोनों मिले। वो यहाँ से चली गई। जोनाथन उसे जगह जगह ढूंढता है, पर अब क्या फ़ायदा। इन बातों को कुछ साल हो गए हैं। जोनाथन की इंगेजमेंट हो गई है हैली से। दोनों साथ में रहते हैं। इतने सालों बाद हमें जोनाथन को हैली के साथ संभोग करते हुए दिखाया जाता है। जोनाथन संभोग तो हैली के साथ करता है, पर उसे सारा की याद आती है। उसे रियलाइज़ होता है कि शायद उस दिन उसने कुछ और एफर्ट लगाया होता तो सारा उसे मिल गई होती। इसके बाद हम सारा को देखते हैं। वो भी म्यूजिशियन लार से इंगेज्ड है। सैन फ्रांसिस्को में रहती है। आजकल वो लोगों को काउंसलिंग करने का काम करती है, और कभी कभी उसे जोनाथन की भी याद आती है। पर अब वो ये मान चुकी है कि डेस्टिनी को भी शायद यही मंजूर था। सारा और लार शादी करने वाले हैं। लार ने शादी की सारी प्लानिंग का जिम्मा सारा पर छोड़ दिया है। वो खुद अपनी म्यूजिक के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर गया है। भला ये भी कोई बात हुई। सारा को लगता है कि जोनाथन उसके लिए परफेक्ट था। अब वो उसे ढूंढना चाहती है। वो अपनी फ्रेंड ईव से मिली है। उससे मिलकर वो न्यूयॉर्क में जोनाथन को ढूंढना चाहती है। पहले तो ईव को ये सब कुछ पागलपन लगा। वो कहती है कि अगर तुम्हें वो लड़का इतना ही पसंद था तो तभी उसका नंबर ले लेना चाहिए था। हर चीज़ डेस्टिनी पर नहीं छोड़ी जाती। पर सारा की जिद पर दोनों अब निकल पड़े हैं मिशन जोनाथन पर। इधर जोनाथन को उस कश्मीरी ग्लव्स में से एक ग्लव्स मिल गया। उसे याद आया कि दूसरा ग्लव्स तो सारा के पास है। उसे भी सारा की याद आई। अब वो भी सारा को ढूंढना चाहता है, इससे पहले कि उसे हैली से शादी करनी पड़े। वो हैली के साथ रहता है, उसके साथ संभोग भी करता है, पर हैली में उसे लाइफ पार्टनर वाली क्वालिटी नहीं लगती। उसमें वो स्पार्क नहीं है।
स्पार्क तो उसे सारा मेल मिलता था। वो अपने दोस्त डीन से मिला है। डीन के साथ मिलकर उसने सारा को ढूंढना शुरू किया। एक बार तो स्ट्रीट में जोनाथन और सारा ने एक दूसरे को क्रॉस भी किया, पर एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। सेरेंडिपिटी 3 में सारा और ईव साथ में डेजर्ट ले रहे हैं। यहाँ ईव सारा को समझाती है कि उसे ये पागलपन छोड़ देना चाहिए। ईव जब यहाँ से जा रही है तब उसे जोनाथन वाला $5 का नोट मिला है, पर वो इस नोट के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए उसने सारा को नहीं बताया। इसके बाद सारा और ईव कैब पकड़ते हैं। इत्तेफागन ये वही कैब पकड़ते हैं जिसे अभी अभी डीन और जोनाथन ने छोड़ा है। जोनाथन ने भी हार मान लिया है, अब वो हेली से ही शादी करेगा। पर जब वो हेली के साथ बेडरूम में है तभी उसे यहाँ वो एनवलप मिला है जिसमें वो कश्मीरी ग्लव्स है और साथ में बिल भी है। सारा ने इस बिल को पे किया था। इसमें सारा के अकाउंट डिटेल्स हैं, इसमें सारा का अकाउंट नंबर भी है। जोनाथन को हिंट मिला है कि शायद वो अभी भी सारा को ढूंढ सकता है। वो उसी स्टोर में जाता है जहाँ से उसने कश्मीरी ग्लव्स ख़रीदा था। वो यहाँ के सेल्समैन से सारा के अकाउंट डिटेल्स के जरिए एड्रेस निकलवाना चाहता है। सेल्समैन कहता है कि इस महीने का उसका टारगेट है $700 सेल कराने का। जोनाथन $700 की शॉपिंग करता है। इन सब के बाद जोनाथन सेल्समैन से सारा का एड्रेस मांगता है। तब सेल्समैन बताता है कि अकाउंट तो डेड हो चुका है। जोनाथन को गुस्सा आता है, वो अपना गुस्सा सेल्समैन पर उतारता है। सेल्समैन कहता है कि एक तरीका है, यहाँ जब भी कोई कस्टमर आता है तब ये उसे क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए उसकी सारी डिटेल्स लेते हैं, अगर वो फाइल मिल जाए तो सारा का एड्रेस मिल सकता है। जोनाथन और ये सेल्समैन दूसरे स्टाफ के साथ उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ ये फाइल्स रखी हैं। काफ़ी कोशिशें करने पर सारा का एड्रेस अभी भी नहीं मिला। इधर सारा भी उस लोकेशन पर पहुँची है जहाँ कुछ लोग गोल्फ खेल रहे हैं। शायद जोनाथन यहाँ गोल्फ खेलने आया हो, पर वो यहाँ से भी निराश हो गई। इधर ईव और सारा की मुलाकात हेली से हुई है। वेडिंग रिहर्सल के दौरान ये मिले, इनमें दोस्ती हो गई, पर इन्हें नहीं पता कि इनमें क्या कनेक्शन है। ईव और हेली कॉलेज में फ्रेंड्स थे। हेली को अपनी शादी में वो इनवाइट करती है। वैसे तो वो सारा को इनवाइट करती है पर सारा ने इसे रिजेक्ट कर दिया, पर ईव शादी में जाने को तैयार है। इतने में सारा से मिलने लार आया है। वो कहता है कि अपने बिहेवियर के लिए उसे खेद है, अब वो अपना सारा समय सारा के साथ ही बिताना चाहता है। सारा ने उसे माफ़ कर दिया है। रिहर्सल के दौरान हेली और जोनाथन में लड़ाई हो गई। हेली को रियलाइज़ हो रहा है कि जोनाथन उस पर ध्यान नहीं देता। वो उसे मनाने के लिए एक गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट एक बुक है जिसे कि उसे ईव ने दिया था। ईव को ये बुक सारा ने दिया था। इस पर सारा ने अपना पूरा नाम लिखा है, सारा थॉम्सन। जब जोनाथन इसके फर्स्ट पेज को पढ़ता है तब उसे सारा थॉम्सन का नंबर मिला है। सारा ने इस पर अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है। अब डीन से मिलकर वो सारा का एड्रेस निकलवाना चाहता है। ये नंबर सारा के ऑफिस का है। इस तरह इन दोनों को सारा का एड्रेस मिल गया। ये दोनों सैन फ्रांसिस्को पहुँचे हैं सारा के घर। यहाँ सारा की सिस्टर है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ संभोग कर रही है। खिड़की से जब डीन और जोनाथन ने देखा तब इन्हें लगा कि ये तो सारा ही है। इस तरह अब जोनाथन का दिल टूट गया, उसने अब गिवअप कर दिया है। डीन जोनाथन से कहता है, हालांकि तुम्हें सारा नहीं मिली पर तुम्हें हेली से शादी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कुछ महीनों बाद तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा क्योंकि तुम दोनों की ट्यूनिंग मिलती नहीं। इधर सारा को भी लार में वो स्पार्क नहीं मिलता, वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। अब वो हर हाल में जोनाथन को ढूंढना चाहती है। फाइनली एक इत्तेफाक हुआ, सारा को जोनाथन वाला $5 वाला नोट मिल गया। इस नंबर पे कॉल करके उसे जोनाथन का एड्रेस मिल गया। वो एड्रेस पर पहुंचती है। यहाँ उसे पता चला कि आज वो जोनाथन और हेली की शादी है। सारा दौड़ते हुए शादी के लोकेशन पर पहुंचती है, पर वो लेट हो गई है। यहाँ से हर कोई जा चुका है। सारा उदास हो जाती है। यहाँ का क्लीनर बताता है कि ये शादी आज सुबह ही कैंसिल हो गई थी। ये सुनकर सारा को खुशी हुई है। अब उसे यकीन है कि जोनाथन ज़रूर उसे मिलेगा। जोनाथन अभी भी सारा को ढूंढ रहा है। वो उस आइस स्केटिंग लोकेशन पर जाता है जहाँ दोनों ने साथ में स्केटिंग की थी। यहाँ के बेंच पर उसे लेदर जैकेट मिला है। ये सब जोनाथन को यूनिवर्स का हिंट लग रहा है कि शायद सारा उसे मिल ही जाए। वो स्केटिंग फील्ड के बीचों बीच जाकर बैठ गया है। लेदर जैकेट को पिलो बनाकर वो लेट जाता है। उसके बगल में वो ग्लव्स पड़ा है जिसे लिए वो घूमता रहता है। अचानक से यहाँ बर्फ गिरनी शुरू हो गई। सभी यहाँ से चले गए पर जोनाथन अकेला लेटा हुआ है। अचानक से उसके ऊपर दूसरा कश्मीरी ग्लव्स गिरा है। वो उठकर बैठ गया। यहाँ उसे सारा आती हुई दिखती है। दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं, फिर से एक दूसरे का इंट्रो देते हैं। अब इन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बिना कुछ कहे ही आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद हमें 1 साल आगे ले जाया जाता है। दोनों आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ये उसी ग्लव स्टोर में मिले हैं जहाँ इनकी पहली मुलाकात हुई थी। यहाँ का सेल्समैन तो इन दोनों से परेशान हो गया है। वह इन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है। दोनों के चेहरे पर स्माइल है और इसी नोट पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।